हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट द मुंबई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एफ आई एंड एस वाई स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड सो ये कैस किस तरीके से प्रमोशन होने वाला है एफ आई एंड एफ आई एंड एस वाई के स्टूडेंट्स का टी वाई के एग्जाम्स किस तरीके से होंगे और ये जो नए नोटिफिकेशंस uh, uh, यूनिवर्सिटी के तरफ से आए हैं ग्रेडिंग किस तरीके से होगा और Uh, जिस बेसिस पे टी का एग्जाम होगा एम का एग्जाम होगा एमएससी का एग्जाम होगा या जो uh, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम होगा ये किस तरीके से होगा ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को लाइक कर ले वीडियो को लाइक कर ले और अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ सो यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट येस्टरडे वी हैड अ मीटिंग विद दी एजुकेशन मिनिस्टर तो एजुकेशन मिनिस्टर ने न्यूज़ चैनल को सभी न्यूज़ चैनल को बता दिया कि एग्जैक्टली exactly स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में था कि किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे कैसे एग्जाम्स लिए जाएंगे आ, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे तो इस तरीके से एग्जाम्स को लिया जाएगा एग्जैक्टली वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन 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 ऑल द पॉइंट्स तो किस तरीके से आ, बताया गया है इस पूरे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स टू तो बी हेल्ड फॉर फाइनल ईयर एंड रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड सो तो देर वेल देर आर मेनी डाउट्स इन योर माइंड दैट एफ के जो स्टूडेंट्स है या एस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा तो सबसे पहला डाउट आपके मन में यह आएगा कि केटी के स्टूडेंट्स के को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन एफ वाई अदर सब्जेक्ट्स केटी के टी, तो, uh, उन्होंने बताया कि लास्ट uh, के आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ग्रेडिंग दिया जाएगा और एग्जैक्टली exactly इन्हीं ग्रेडिंग्स के ऊपर आपको आगे भेजा जाएगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आ, फर्स्ट जुलाई से टेंटेटिव डेट है एक्चुअली फर्स्ट जुलाई से लेके थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स जून के अंदर उनका एग्जाम लेना है सो so दैट जो यूजीसी के गाइडलाइंस थे कि जो नया एकेडमिक कैलेंडर है वो अगस्त सितंबर के बेसिस पे नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो उसी के बेस पे उन्हीं प्रोविजन्स को ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का भी सेमेस्टर सिक्स का एग्जाम लिया जाएगा और ये सेमेस्टर सिक्स का जो एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी सारे न, नए तरीके से ये एग्जाम लि, लिया जाएगा बेसिकली यहाँ पे आ, दिया हुआ है कि आ, जो भी एग्जाम्स तीन घंटे के बोलते हैं उन तीन घंटे के एग्जाम्स को आ, हंड्रेड मार्क्स से रेड्यूस करके एटी मार्क्स या फिफ्टी मार्क्स तक रेड्यूस किया जाए सो दैट तीन घंटे का एग्जाम दो घंटे का हो जाए तो इसके ऊपर अभी यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली डिसाइड करेगा कि किस बेस पे ये एग्जाम्स का टाइम टेबल डिसाइड होगा एंड दे विल बी इश्यूइंग यू द टाइम टेबल विद इन दिस वीक ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम भी हो जाए बिकॉज फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का पूरा का पूरा करियर उनके फाइनल ईयर के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है जैसे उनके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे उनका ओवरऑल जॉब प्रोफाइल डिपेंड करेगा तो दैट इज़ वाई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा ऐसे बोला गया है अगर हम एफ आई एंड एस वाई के स्टूडेंट्स की बात करें तो एफ आई एंड एस वाई के स्टूडेंट्स को अगले साल में प्रमोट किया जाएगा अब काफ़ी सारे बच्चे इसमें खुश हैं बिकॉज अगर किसी स्टूडेंट्स को uh, काफी सारी केटीज है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा ऐसा बोला गया है लेकिन जो भी आपके फर्दर बैकलॉग्स है जो भी आपके फर्दर uh, केटीज है उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा वो क्लियर करने के लिए एग्जाम्स कॉलेज में होंगे लेकिन ये कुछ दिनों के बाद होंगे जैसे ही कॉलेज खुलेगा वैसे ही इस एग्जाम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पिछली केटी है तो आप अगले साल में जाओगे तो वो पिछली केटी का एग्जाम आपको नहीं देना है पिछली केटी का भी एग्जाम्स आपके लिए जाएंगे तो इसीलिए जो भी आपकी पिछली के टीज है उसका भी प्रिपेरेशन आप साइड बाय साइड करते रहे सो so दैट जो भी ये केटी का प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा बट उन्होंने कहा है कि ग्रेडिंग के बेस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए और जिन बच्चों को ये ग्रेडिंग में प्रॉब्लम्स होगा उनके लिए एक अलग तर, तरीके से उनको एग्जाम भी दिया जाना चाहिए ऐसे तरीके से मतलब इम्प्रूवमेंट अगर हम बात करें तो सो दे कैन गो फॉर द इम्प्रूवमेंट आल्सो तो ये इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होगा ये पूरे चीज़ों के ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल उफ, सर्कुलर आएगा एंड यू कैन चेक द सर्कुलर ऑन डब्ल्यू तो फिलहाल अगर हम इस पूरे वीडियो से देखें तो इस पूरे वीडियो से यूनिवर्सिटी और यूजीसी के जो यूजीसी के जो भी नोटिफिकेशंस थे यूजीसी के जो भी गाइडलाइंस थे उसी के बेसिस पे फॉलो करते हुए ये कहा गया है कि Uh, सारे के सारे जो भी स्ट्रीम्स है सारे के सारे स्ट्रीम्स के एग्जाम्स होंगे और वो एग्ज़ाम्स सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के होंगे बाकी के स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट किया जाएगा और वो प्रमोशन या प्रमो प्रमोट किस तरीके से किया जाएगा उनके पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे उसको ग्रेडिंग दिया जाएगा और जो भी आपके पिछले बैकलॉग्स है उनके एग्जाम्स जैसे ही कॉलेज खुलेगा उसके बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करेगा और आपको प्रॉपरली इंटीमेशन देगा प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देगा और उस बेसिस पे ये सारे के सारे एग्जाम्स लिए जाएंगे जो केटी के टी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पिछले जो भी आपके बैकलॉग्स है उसको कॉलेज को कॉलेज uh, के बेसिस पे एग्जाम्स लिए जाएंगे सो so, यही थे uh, कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू योर ये पार्ट अभी यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ है वो आपको पढ़ के बताता हूँ all of the years of all courses with no exceptions will be granted a promotion to next year on the basis of 50 50% gradation formula according to which 50% will be based as students performance in internals and other projects the current semester and 50% will be based on the the current performance uh, students' performance in the previous year. Students who have allowed to keep a term, that is, ATKT remarks for any subject from the previous semester, will be promoted. काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है विल बी प्रमोटेड फॉर द टाइम बींग बट हैविंग वन ट्वेंटी डेज वंस दू अपियर फॉर एन एग्जाम एंड क्लियर द सब्जेक्ट मतलब जिन किसी बच्चों को के टी है जैसे ही कॉलेज शुरू हो जाएगा एक सौ बीस दिन के अंदर कॉलेज को वो एग्जाम लेनी है और उस बेस पे आपको वो एग्जाम को क्लियर भी करना है सो दैट द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो अपने फ्रेंड्स पे शेयर करो टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्ट